हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस सो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आ, कुछ अदर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स को भी कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर डी एम ए देन वी विल सी अबाउट द पोलिंग एंड देन फाइनली आई एस एम ए सो तीनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आता है इसके अंदर तो सबसे पहले शुरू करते हैं डी ए एम ए से डी ए एम ए का मतलब होता है डिमांड असाइंड मल्टीपल एक्सेस तो यहां पे आपका रिजर्वेशन मैकेनिज्म प्लस फिक्स टी इसका यूज किया जाता है सो so, होता है इज अ रिजर्वेशन पीरियड एक होता है पहले रिजर्वेशन पीरियड और रिजर्वेशन पीरियड के बाद होता है ट्रांसमिशन पीरियड ओके सो रिजर्वेशन पीरियड इज फॉलोड बाय ट्रांसमिशन पीरियड इन डी एम ए सो रिजर्वेशन पीरियड में बेसिकली होता क्या है सो देर इज अ कंटेंशन और कॉम्पिटिशन फॉर स्लॉट्स कि जो हर नोड है वो कंटेंट करेगी कंपीट करेगी ताकि वो स्लॉट्स को रिजर्व कर सकें ठीक है सो नोड्स आल्सो ट्राई टू रिजर्व द फ्यूचर स्लॉट्स नोड नोट्स आल्सो ट्राई टू रिजर्व फ्यूचर स्लॉट्स अभी के लिए तो रिजर्व किया ही बट आगे के ट्रांसमिशन के लिए भी स्लॉट्स को रिजर्व करने की कोशिश करते हैं अब इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रिजर्वेशन के पीरियड के अंदर कोलिजन हो सकता है सो कोलिजन में अकर ठीक है रिजर्वेशन के पीरियड के अंदर कोलिजन यहां पे हो सकता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहां कि कोलिजन कब हो सकता है रिजर्वेशन पीरियड के अंदर एंड इट रिक्वायर्ड सिंक आपस में नोट्स का सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है पता होना चाहिए कि किस नोड ने कौन सा स्लॉट रिजर्व किया है सो so, एक बार रिजर्वेशन पीरियड हो गया स्लॉट्स आपके रिजर्व हो गए उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसमिशन पीरियड आएगा यहाँ पे अब ट्रांसमिशन पीरियड के टाइम पे हम ये कह सकते हैं दैट देर इज नो कोलिजन कि जो भी कोलिजन होना था वो कहाँ पर हुआ रिजर्वेशन पीरियड के दौरान ट्रांसमिशन के टाइम पे कोई कोलिजन नहीं होगा क्योंकि हर नोड का अपना एक स्लॉट फिक्स है उसने रिजर्व कर रखा है पहले से ही तो उसी स्लॉट के अंदर ट्रांसमिशन किया जाएगा देन द थ्रूपुट इज हाई जो इसमें थ्रूपुट होता है जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ डी एम ए देन द सेकेंड इज पोलिंग पोलिंग इज यूज वेन वन स्टेशन वॉन्ट्स टू बी हर्ड बाय ऑल अदर्स जब एक स्टेशन को बहुत सारे स्टेशन तक अपना कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है तब हम पोलिंग का यूज करते हैं इट इज स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज अप्रोच होती है ये जिसमें कि आपका एक मास्टर होता है और सेवरल स्लेव्स होती हैं। तो आप इस तरह से कह सकते हो कुछ लेटस्ट से दिस इज मास्टर तो एक मास्टर नोड होगी और बहुत सारी स्लेव नोड्स होती हैं वी कैन हैव दिस आर्किटेक्चर हेयर दिज आर स्लेव्स मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर के ऊपर ये काम करता है पोलिंग वाला अब इसमें क्या करते हैं मास्टर कैन पोल द स्लेव्स बाय मेनी स्कीम्स मास्टर जो है वो पोल कर सकता है स्लेव्स को उनके उनसे पोलिंग करा सकता है यूजिंग मेनी स्कीम्स और कौन कौन सी स्कीम हो सकती है अस से इन दिस वी हैव दिस राउंड रॉबिन स्कीम देन वी हैव रैंडम स्लॉट रिजर्वेशन स्कीम और एज पर एनी रिजर्वेशन स्कीम एज पर एनी रिजर्वेशन स्कीम्स तो इन स्कीम्स को यूज करके पोलिंग कराई जा सकती है अभी जो पोलिंग वाला मेथड है दैट इज यूज बाय ब्लूटूथ वैन तो जो ब्लूटूथ के अंदर यूज होता है वो पोलिंग मेथड का हम यूज करते हैं ओके सो बेसिकली है क्या है मास्टर कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टेशन हु वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट मास्टर क्या करेगा एक लिस्ट बना लेगा हर स्टेशन की या हर स्लेव की जो ट्रांसमिट करना चाहते हैं सो इट क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ ऑल स्टेशन हु वॉन्ट्स टू ट्रांसमिट और एक बार ये लिस्ट बन गई उसके बाद पोलिंग कराई जाती है कि कौन सी नोट कब ट्रांसमिट करेगी सो आफ्टर दिस द पोलिंग इज डन एंड डिसीजन इज टेकन वेन अ नोट शुड ट्रांसमिट वेन अ नोट शुड ट्रांसमिट तो यहां पर देखो आप सारे डिसीजन किसके थ्रू हो रहे हैं सारे डिसीजन मास्टर के थ्रू हो रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज स्ट्रिक्टली सेंट्रलाइज नेक्स्ट हम देखेंगे यहां पर आई एस एम ए आई एस एम ए की फुल फॉर्म होती है इनहिबिट सेंस मल्टीपल एक्सेस इट इज यूज फॉर पैकेज डेटा ट्रांसमिशन इन ए एम पी एस मोबाइल फोन सिस्टम जो ए एम पी एस मोबाइल फोन सिस्टम है उसमें पैकेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डी एस एम डेट इज डिजिटल सेंस मल्टीपल एक्सेस अब यहाँ पे होता क्या है कि जो स्टेशन होता है आपका बी एस इट ओनली सेंड्स आइदर बिजी और आइडियल सिग्नल एंड बिजी टोन ऑन द डाउनलिंग या तो बिजी और आइडल सिग्नल भेजेगा या फिर बिजी टोन भेजेगा डाउन लिंक के ऊपर अब जैसे ही आपकी बिजी टोन रुकती है दैट मीन्स कि जो आपका चैनल है वो फ्री हुआ बिजी टोन नहीं आ रही है तो जो एक्सेसिंग हो रही है अपलिंक की उसको आगे फर्दर कोऑर्डिनेट नहीं किया जाता एंड देन बी और द बेस स्टेशन एक्नोलॉजी द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन अब इसमें जो मोबाइल स्टेशन होता है वो कोलिजन कैसे डिटेक्ट करेगा मोबाइल स्टेशन डिटेक्ट्स कोलिजन ओनली वाया मिसिंग एक्नोलॉजमेंट कि अगर किसी पैकेट की एक्नोलेजमेंट नहीं आई उस केस में मोबाइल स्टेशन जो है वो कोलिजन को डिटेक्ट करेगा एंड देन द टेक्निक ऑफ बैक ऑफ और रीट्रांसमिशन इन केस ऑफ कोलिजन अगर कोलिजन होता है तो या तो बैक ऑफ करेगा या फिर रीट्रांसमिशन करेगा पैकेट का सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस आई एस एम ए Okay so this is all for this particular video please like the video and share the video with the friends and don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to receive more such videos notification thank you